नमस्ते दोस्तों, कैसे हैं आप सब। हेलो दोस्तों, चलो आज हम पाइवट चार्ट बनाना सीखेंगे। हमने इससे पिछले क्लास में सीखा था पाइवट टेबल बनाना, तो आज उसी को चार्ट में कैसे हम ग्राफिकल फॉर्म में कैसे शो करें तो वो हम देखते हैं। तो सबसे पहले हम ये डाटा सेलेक्ट कर लेते हैं, उसके बाद हम जाते हैं इंसर्ट में जहां जाते थे पाइवट टेबल के पास। फिर अब हम देखेंगे पाइवट टेबल नहीं, हमने पाइवट टेबल सीख ली है, अब हम पाइवट चार्ट सीखेंगे। तो पावर चार्ट में क्लिक करके आपने ये सिलेक्ट कर रखा है, इसलिए आप एग्जिस्टिंग वर्कशीट में जाइए। इसी वर्कशीट में हमको करना, न्यू वर्कशीट में नहीं करना। अब आप लोकेशन डाल दीजिए, मेरे को यहाँ पे चाहिए। तो ये देखिए आपका आगे दोस्तों, अब आप जैसे पावर टेबल में सिलेक्ट करते थे वैसे चीज में सिलेक्ट कर लीजिए। नेम चाहिए मुझको, सब्जेक्ट चाहिए सारे, एंड टोटल भी चाहिए। तो ये सब दोस्तों आपका हो गया। अब इसमें मैं आपको एक नई चीज सिखाने जा रहा हूँ, इसे पहले हाइड कर देते हैं, इस ग्राफ को थोड़ा छोटा कर देता हूँ। ये देखिए आपका जो पाइवट टेबल में आपका आ रहा था, ये आपका इसमें आपको चार्ट बनाने से आपको दो बेनिफिट मिल जाते हैं। एक तो ये देखिए आपका पाइवट टेबल भी आ गया, ये देखिए आपका ये पाइवट टेबल आ गया, ये पाइवट टेबल भी आपका ऐसी होता था, एंड आप देखिए आपका पाइवट चार्ट भी आ गया। ये आपका पाइवट चार्ट है, जैसे आपके देखिए ये आपके आ रखे हैं जी, किस किस के कितने नंबर्स आए हैं हर सब्जेक्ट में। तो हम इसमें एक नई चीज सीखने जा रहे हैं पाइवट टेबल में। तो आपको अगर हर एक हम डैशबोर्ड बनाने जा रहे हैं, जैसे गाड़ी की स्पीड की डैशबोर्ड होती है और वैसे और भी बहुत चीज होते हैं, तो हम देखते हैं डैशबोर्ड कैसे बनाए। तो हम सबसे पहले आते हैं इंसर्ट में, फिर आपको यहाँ पे दिख रहा होगा स्लाइसर। आप जब स्लाइसर पे क्लिक करोगे तो आपको इसमें चाहिए किस किस चीज का, मतलब अलग अलग स्लाइस में बांटे। आपको स्लाइस मतलब तो पता है, स्लाइस मतलब एक पीस, जैसे मैंगो का एक स्लाइस देना, जैसे मैंगो का एक बाइट मतलब एक कटा हुआ स्लाइस। तो अब हम ये देख रहे हैं हमको इसके हर एक पार्ट के अलग अलग हमको चाहिए टेबल। तो देखिये आपका हर एक पार्ट का आगे टोटल का ये है, हिंदी सब्जेक्ट से ये रहे। तो हमको हम पहले इसको अरेंज कर लेते हैं, हमको ये लगाना होगा, उसके बाद मैं आपको इसमें बताने जा रहा हूँ हम पाइवट टेबल में क्या क्या कर सकते हैं, सॉरी चार्ट में। इसको पहले साइड साइड में लगा देता हूँ जिससे आपको सही से समझ में आए। इसका आप साइज भी एडजस्ट कर सकते हैं, ये दोस्तों ये हो गया आपका। अब इसका थोड़ा सा साइज एडजस्ट कर लेते हैं पहले, आप देखिए जैसे कि अब मैंने आपको बताया, अब हमने सब एडजस्ट कर लिया है। अभी देखिए आपको बीच में चार्ट दिखा रहा है, ये आपको ये जो आपको भी दिख रहा है स्क्रीन पे, इसे हम डैशबोर्ड कहते हैं। डैशबोर्ड में क्या आता है, आपका हर चीज आता है, जैसे आपका मीटर में मीटर का डैशबोर्ड होता है जैसे कार का। तो वैसे ही देखिए आप जैसे अभिषेक के मार्क मेरे को देखने हैं, मान के चलो डायरेक्ट देखने हैं, मेरे को उतना उस फॉर्मूला की जरूरत नहीं है, तो डायरेक्ट अभिषेक पे क्लिक करो। ये आपको देखिए हर डैशबोर्ड में आपका आ जाएगा, जैसे अभिषेक के टोटल मार्क्स आए हैं 383, ये आपका हाईलाइट हो जाता है ऑटोमेटिक। और आपका देखिए चार्ट में भी दोस्तों, आपका चार्ट में भी वही आएगा, अभिषेक के मार्क्स आएंगे बस। वैसे मैथ में इसके इतने आए, एसएसटी में इतने, कंप्यूटर में इतने, और ये सब सब्जेक्ट के मार्क्स। वैसे मेरे को अगर अमन के देखने हैं तो अमन के मार्क्स भी आप देख सकते हैं, बस अमन का ही दिखेगा फिर आपको। ये आपका डैशबोर्ड आपका बहुत हेल्प करता है जब आपके पास ज्यादा लोग हैं और आपको फॉर्मूला लगाने का टाइम नहीं है। ये आप एक बार थोड़ा लेंदी प्रोसेस है, आप एक बार बना के रख दीजिए, और आपको जब भी काम हो तो आप तुरंत आप उस पे उस पर्सन के नेम पे क्लिक करिए, आपको उसके बारे में बता दिया जाएगा कि उसके कितने मार्क्स आए हैं। उसका जैसे आपको सेल का निकालना है तो सेल का भी इसमें ऐसे आ जाएगा, उसने 1 मंथ में कितनी सेल की, 2 मंथ में कितनी सेल की, और टोटल उसने
वन ईयर में कितने सेल किए, तो आप इसमें आप बहुत सारी चीज दे सकते हैं। प्राइवेट चैट आपके बहुत काम की चीज है। तो भाई वीडियो देखने के लिए धन्यवाद, एंड अगर पसंद आई हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए।